Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, grade 1. I'm your English teacher and I hope that you all are safe at your homes. Today we are going to continue our reading of unit number 2. Yesterday we read about my family and humne two characters jo hain unki families ke bare mein read kiya tha jo ki Maria and Ali the. आज हम अपने थर्ड कैरेक्टर के बारे में रीड करेंगे विच इज़ एसन. ठीक है, हम इसके बारे में रीड करेंगे, उसकी फैमिली कैसी है, कौन कौन उसकी फैमिली में है, और इसके बाद आपकी टर्न है. आप अपने बारे में बताएंगे, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, आप फैमिली के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, उन्हें अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Now, to or talk, put you could pick topic, read with me. Topic, my, for affair, family, my family, mira handa. Ahson, ab Ahson ke baare mein hum read karne wale hain. I, la, evil, live, main rehta hoon, wo, read, the with I live with mummy. Mummy, I live with mummy. Main ammi ke saath rehta hoon. The and dad, do you did daddy? Daddy ke saath, abu ke saath. My meri sir is sister arthur sister. Mary sister and girl and grand the grandma और मेरी दादी के साथ. अच्छा, आपने यहाँ पे नोट किया होगा जब भी आपको डिफरेंट करेक्टर्स दिए जा रहे हैं, एक वैरायटी दी जा रही है, जैसे मम्मी एंड डैडी, इन दोनों के दरमियान उन्होंने कॉमा के साथ सेपरेट किया है. किसके साथ? कॉमा के साथ. सो इस तरह हमने पिछले भी यूनिट्स में, पिछले भी करेक्टर्स के बारे में रीड किया, जब वो अपने मम्मी डैडी एक साथ नेम बोल रहे थे तो कॉमा यूज़ कर रहे थे. ठीक है, सो इस तरह जब डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट करेक्टर्स या डिफरेंट आइटम्स दिए जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है. सो यहाँ भी कॉमा यूज़ हुआ है. मम्मी डैडी माय सिस्टर एंड ग्रैंडमा. अहसन कह रहा है कि मैं लिव रहता हूँ, विद मैं रहता हूँ अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, मेरी सिस्टर के साथ एंड ग्रैंडमा और दादी अम्मी के साथ. My is sister arthur. Sister is son. Yeah, Sonia. My sister is Sonia. मेरी सिस्टर, मेरी बहन सोनिया है. अब वो अपनी सिस्टर का नेम भी बता रहा है. She is eight. अब वो उसकी एज बता रहा है कि वो कितने साल की है. He's telling. She is eight. वो 8 साल की है. My grandma. मेरी grandma, मेरी दादी. He is eight. Great. My grandma is great. मेरी दादी बहुत अजीम है, बहुत अच्छी भी आप इसे कह सकते हैं. यहाँ पे शी थ, अच्छा ये शी जो है यहाँ पे एक ट्रिकी वर्ड्स है जिस पे एज सच हमारी साउंड जो है वो फिक्स नहीं आती. ठीक है, आगे चलते हैं. थ एल थल थल्स शी थल्स वो बताती हैं. म मी मुझे, शी थल्स मी सठ सठ और स्टोर ई आई होती है लेकिन यहाँ पे ईज होगा. ठीक है, स्टोरीज शी टेल्स मी स्टोरीज अबाउट क्या होता है, बारे में. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में. शी टेल्स मी स्टोरीज कहानियाँ. स्टोरीज क्या होती है? कहानियाँ. शी टेल्स मी स्टोरीज वो मुझे कहानियाँ सुनाती हैं. अबाउट बारे में. ओल्ड द एयर डेज
अबाउट ओल्ड डेज, पुराने दिनों के बारे में। अब एसन क्या कह रहा है कि मेरी माँ जो ग्रैंड माँ है इस ग्रेट, वो बहुत अजीम है, बहुत अच्छी हैं। शी टेल्स मी स्टोरीज अबाउट ओल्ड डेज, वो मुझे पुराने वक्तों के बारे में कहानियाँ सुनाती हैं। सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड फैमिली इंट्रोडक्शन अबाउट थ्री करेक्टर्स, मारिया, अली एंड एसन। तीन लोगों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बारे में बात आपकी बारी है। अब आपने खुद अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन रेडी करना है, आपने उसमें जो है अपने नेम से स्टार्ट करना है, उसके नीचे अपनी फैमिली के मेंबर्स राइट करने हैं। यू कैन राइट कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड डैड हैं, या आपके अंकल के साथ आप रहते हैं, तो उनके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने बिल्कुल इस तरह से आप अपनी फॉर्मेट बना सकते हैं, लाइक दिस। क्रिएटिव राइटिंग आपने करनी है। यहाँ पे आप अपना नाम ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। नीचे आपने 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस राइट करनी है। हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, एंड पे वहाँ उसके फुल स्टॉप आना चाहिए। आप अपनी फैमिली के मेंबर्स बता सकते हैं, जैसे आगे बता चुकी हैं अपने ग्रैंड फादर वगैरह के बारे में। इसके अलावा आपकी फैमिली के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसे करेक्टर जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनके बारे में भी राइट कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। आपके करेक्टर जो हैं सेंटेंसेस 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकते। सो अपनी क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ आपने रीडिंग भी प्रिपेयर करनी है। अगर आपने अच्छी रीडिंग प्रिपेयर की, देन आई विल हैव अ रिवार्ड फॉर यू। अगर आपने अच्छी प्रिपेयर नहीं की, तो आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। सो वर्क हार्ड, प्रिपेयर योर लेसन, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।